नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम बिरला बिरला करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको समझने के लिए हम पहले कुछ नंबर लेंगे, उनको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। नंबर लेते हैं हम 12 और 24। इन दोनों में एचसीएफ क्या होगा? इसके लिए पहले तो हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होंगे इसके? फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड कर सके वो उसका फैक्टर होगा, 24 को जो डिवाइड कर सके वो उसका फैक्टर होगा। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। इसी तरीके से 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है और 24 हो सकता है। ये तो हो गए फैक्टर। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या है इसमें? 1 से लेके 6 तक दोनों में कॉमन है, फिर 12 कॉमन है। अब बात आती है हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट ये हो गया। तो दोस्तों 12 और 24 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 12। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो होगा 12 होगा। अब कुछ एग्जांपल लेके हम कुछ शॉर्ट ट्रिक समझते हैं ताकि आसानी से कर सके हम सवालों को एग्जाम में। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम एक नंबर लेते हैं, ट्रिक नंबर वन लेते हैं। 7 लिया जैसे हमने, 14 लिया, 21 ले लिया, 42 ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे यदि छोटा नंबर बाकी के तीनों नंबर को डिवाइड कर सके तो वो नंबर क्या होगा? आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा और वही एचसीएफ हो जाएगा। 7 को जब देखते हैं, 14 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स में, इसको देखते हैं 3 टाइम्स में, इसको देखते हैं 6 टाइम्स में, इसलिए इन नंबरों का एचसीएफ क्या होगा? 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रिक नंबर 2 जिसको हम कहेंगे। देखेंगे हम कुछ नंबर लेके, जैसे हम लेते हैं 12 लेते हैं, 20 लेते हैं, 28 ले लिया, 45 ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो छोटा नंबर है ना तो इसको डिवाइड कर पा रहा है, ना तो इसको डिवाइड कर पा रहा है, ना इसको डिवाइड कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। जब इन फैक्टरों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी के तीनों को डिवाइड कर सके, देखते हैं हम 1 नहीं हो सकता, 1 से हो जाएगा, 2 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 3 से ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो गया, 4 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे कि एचसीएफ हमारे पास जो होगा वो केवल एक होगा जो बाकी के सभी नंबर को डिवाइड कर पाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 30 लेते हैं, 48 लेते हैं, ठीक नंबर 3 देखने के लिए। 30 लिया, 48 लिया और 13 ऐड ले लिया। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं 30 से 48 डिवाइड नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ऐसी कंडीशन में वही 30 को हम ब्रेक करेंगे उसके दूसरे फैक्टर्स में। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 30 होगा। अब एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हम पहले देखेंगे हाईएस्ट नंबर से स्टार्टिंग करेंगे। तो 30 से ये तो नहीं डिवाइड होगा, 15 से ये दोनों नहीं डिवाइड होंगे, 10 से ये दोनों नहीं डिवाइड होंगे, 6 देखेंगे जब हम तो 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 6। दोस्तों
ये है हमारे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम कुछ देखेंगे कि और एचसीएफ में क्या क्या चीजें होती है, कुछ फार्मूलेज होते हैं एचसीएफ के और एलसीएम निकालने के। इसमें हम देखेंगे जब कभी एलसीएम निकालना हो किसी भिन्न का, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आए उस कंडीशन में क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाली संख्या, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ठीक है। और एक फार्मूला होता है जो अक्सर यूज होता है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में, जो एलसीएम होता है किसी भी नंबर का, एलसीएम और उसका एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। ओके थैंक।